जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में राष्ट्रध्वज के अपमान का एक नया मामला आया सामने। सरकारी हॉस्पिटल में तिरंगे को बनाया गया तकिए का कवर। चीफ मेडिकल ऑफिसर ने सफाई देते हुए कहा, इस मामले की कराएंगे जांच। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जम्मू से निकला 1753 यात्रियों का जत्था। जत्थे में 2281 पुरुष, 623 महिलाएं, 134 साधु शामिल। जम्मू स्थित भागवती नगर कैंप से अब तक कुल 59,717 यात्री बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए निकल चुके हैं। लगातार हो रहे एनकाउंटर से बखलाया आतंकी जाकिर मूसा, कर सकता है बड़ा फिदायीन हमला। खुफिया एजेंसियों ने सुरक्षा बलों को किया अलर्ट। राज्यपाल शासन के दौरान एक बार फिर से पंचायती चुनाव की हलचल हुई तेज। राज्य और मंडल स्तरीय समितियों का किया गया गठन। बांडीपोरा के जिला विकास आयुक्त साहिद इकबाल चौधरी ने किया जिला अस्पताल का अपना पहला दौरा। चौधरी ने अस्पताल प्रशासन को साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने को कहा, साथ ही अस्पताल परिसर में बन रहे नए भवन के निर्माण कार्य का भी लिया जायजा। रामबन जिले के खूनी नाले के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज हुआ भीषण भूस्खलन। अचानक गिरे पत्थर और मलबे की जद में आया एक सुमो, एक महिला घायल, कई घंटों तक यातायात रहा प्रभावित। सांबा के उप जिला विजयपुर में आज बिजली और पानी को लेकर हुआ धरना प्रदर्शन। पूर्व मंत्री मंजीत सिंह की अगुवाई में हुए इस प्रदर्शन के बाद उपायुक्त सुषमा चौहान ने समस्याओं को दूर करने का दिया आश्वासन। श्रीनगर में 8 एम्पोरियम के कर्मचारियों ने सैलरी को लेकर ऑफिस परिसर में ही किया विरोध प्रदर्शन। कर्मचारियों को पिछले 4 महीनों से नहीं मिली है सैलरी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इन मांगों को जल्द पूरा करने का दिया आश्वासन। जम्मू कश्मीर के SRTC के VRS कर्मचारियों ने सरकार और विभाग के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। 6th वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग। ऑल जम्मू एंड कश्मीर रिटायर्ड पुलिस कर्मचारियों ने आज विजयपुर BDO ब्लॉक में किया विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शन कर रहे रिटायर्ड पुलिस कर्मियों ने पुलिस विभाग को 5वें वेतन आयोग की सिफारिशों का फायदा देने की मांग की।